आने वाली है, बिकॉज इट इज लाइक अ गेम, है ना? गेम खेलना अच्छा लगता है ना? यस और नो, है ना? हाँ, आई नो दैट। तो पता है आपको एक्टिविटी का नाम क्या है? म्यूजिकल लेटर्स। लेटर्स हमने पढ़े हैं सबने, और आगे है म्यूजिकल, मतलब म्यूजिक भी बजेगा, है ना? तो क्या करना है इसके लिए, आपको पता है? आपको है ना, लेटर्स एक पेपर लेना है, A4 साइज का, या तो एनी स्क्वायर पेपर, उसपे आप स्मॉल लेटर्स, बिग लेटर्स, वो सब आप लिख सकते हो, राइट? कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, वो सब आपको लिखना है। थोड़े ही बनाने हैं, 4 और 5, ओके? और फिर फोरम क्या प्लीज म्यूट करो बेटा, फोरम बोला मैडम? तो मिया म्यूट करना है, ओके? तो जो भी आपको लेटर्स पसंद हो वो बनाने हैं, और फिर ऐसे रखने हैं, अलग अलग सीक्वेंस में नहीं रखने हैं, ओके? और फिर मम्मा बजाएगी म्यूजिक, गाना, कुछ भी आपको जो पसंद है वो मम्मा बजाएगी। और फिर जैसे मम्मा गाना स्टॉप करेगी, और मम्मा आपको बताएगी एक लेटर, जैसे बताया कि स्मॉल लेटर डी, डी फॉर डॉग, तो आपको फटाफट भागना है, और जो स्मॉल लेटर डी जहां भी होगा वहां उस पे जाके बैठ जाना है, ठीक है? वैसे आप नंबर्स भी कर सकते हो, लेटर्स भी कर सकते हो, 3 लेटर वर्ड्स भी कर सकते हो, राइट? आप जो भी बनाओ पेपर उस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एंड यू हैव टू प्ले द म्यूजिक, और तब तक बच्चे डांस करेंगे, एंड एज सून एज म्यूजिक इज स्टॉप, तो आपको वर्ड बताना है, और बच्चे उस वर्ड पे जाके बैठेंगे। अगर सही वर्ड पे बैठे तो उनको पॉइंट मिलेगा, और अगर गलत में बैठे बैठे तो पनिशमेंट, है ना? लोगे ना पनिशमेंट, है ना? और मुझे पता है अब तो मम्मी पनिशमेंट में ना कुछ पढ़ाई करने के लिए ये बोलने वाले हैं कि भाई चलो आज ये कंप्लीट कर दो, आज वो कंप्लीट कर दो, है ना? इसलिए इस बार पनिशमेंट भी रखनी है गेम में, ठीक है? तो आप सब लोग खेलोगे ना ऐसी गेम दोपहर में, मम्मा फ्री हो जाए ना उसके बाद, ये वाली गेम? यस, ऐसी गेम खेलना, एंड यू कैन पुट एनीथिंग, ओके? इट्स नॉट कंपल्सरी म्यूजिकल लेटर्स है तो आप लेटर्स ही डालो, यू कैन पुट नंबर्स, नंबर नेम्स, 3 लेटर वर्ड्स, एनीथिंग। और आपको जितने भी पेपर्स ऐसे बनाने हैं वो बना दो, जो जो उनको, जो जो वर्ड्स में उनको तकलीफ होती है ना बच्चों को, वैसे वर्ड्स आप बनाओ, तो वो खेलेंगे भी और सीखेंगे भी, ठीक है? म्यूजिक जब भी बजेगा तब आपको डांस करना है बच्चों को, और जैसे ही म्यूजिक स्टॉप हो जाएगा तो मम्मा जो भी वर्ड बोले, जो भी लेटर बोले, जो भी नंबर बोले, जो भी नंबर नेम बोले, वहां जाके आपको बैठना है। अगर सही से बैठे तो आपको पॉइंट मिलेगा 1, और अगर गलत बैठे तो पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? और इस ये गेम आप खेलो तो उसके वीडियोस आपको सेंटर फोन पे भेजना है, ठीक है? ओके, अब हम क्या करने वाले हैं? आज तो स्टोरी सुननी है, वी आर गोइंग टू हियर स्टोरी, स्टोरी ऑफ मैडम स्टॉप। ऐसे ब्लॉक चलेंगे? हाँ मैम चलेगा, पर थोड़े डिस्टेंस पे रखना, तो क्या है कि वो उसको बैठना है, तो ब्लॉक आगे रखो, उसके पीछे उसको बैठाओ, क्योंकि ये छोटा है ना, इसलिए हाँ तो वो वीडियो में दिखेगा भी, ओके ठीक ओके है? और अगर आप पेपर ले रहे हो तो पेपर पे उस उनको बिठाना, ओके? ऐसे आप है ना ये ब्लॉक से 3 लेटर वर्ड्स भी बना सकते हो मैम, जैसे बॉ एट बैट, BAT वर्ड बना दिया, क ऑप कॉप, COP कॉप बना दिया, और फिर अलग अलग जगह पे रख दो, और जब म्यूजिक स्टॉप होगा और आप वर्ड बोलो तो वो वहां जाके बैठेंगे, ठीक है? आज की स्टोरी का नाम है द स्टॉक एंड द क्रैब। स्टॉक क्या होता है पता है? स्टॉक इज अ नेम ऑफ अ बर्ड, इज अ टाइप ऑफ अ बर्ड, क्रेन जैसा होता है ना वैसा ही स्टॉक होता है, जिसकी नेक लॉन्ग होती है, और
वो क्या खाता है, स्टॉक क्या खाते हैं, दे ईट फिश, क्रैब, वो सब वो लोग, वो उसका फूड होता है. एंड द क्रैब. तो आई एम गोइंग टू प्ले अ वीडियो फॉर द स्टोरी, फिर मैं आपको उसको हिंदी में भी समझाऊंगी. ठीक है? No one will unmute in between. Let me mute all of you. कोई बीच में अनम्यूट नहीं करेगा, नहीं तो फिर स्टोरी अच्छे से सुनाई नहीं देगी. ओके? एंड इट विल डिस्टर्ब क्लास ऑल्सो. लिसन टू द स्टोरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. Now I'm playing the story, so please don't unmute and disturb. Once upon a time, there lived a stork in a pond where plenty of fish lived. He ate the fish from the pond regularly and lived happily. Years passed. The stork grew old and weak. He found it difficult to catch his food, so he decided to play a trick on the fish. The stork acted very sad. He did not even try to catch the fish which passed him. A big crab noticed this and went up to him. Why do you look so sad? You're not even eating your food. Oh, crab, I heard some people discussing to close this pond with mud. Everyone will die here. Hearing this, the fish and crab were alarmed. Oh God, that's horrible. Please tell us how we can save our lives. I'm old and weak, but I'll try to help you. There is a bigger and deeper pond some distance away. I can take you there and all of you will be safe. Soon the stork set out on his first trip. He started taking the fish one by one in his beak and flew away. The cruel stork used to carry the fish to a big rock where he ate them up. That day was the turn of the crab. He hugged the stork's neck and got ready for the journey. On the way, he did not see any pond. Instead, he saw skeletons of fish everywhere and soon understood the stork's plan. So he used all his strength, dug his sharp claws into the stork's neck and killed him. Moral: never trust your समझ में आया? Have you seen the bird stork? Stork कैसा है? It has a long neck, long and pointed beak. Beak मतलब चोंच. उससे वो पकड़ता है फिश को, right? And he ate it. तो story में क्या हुआ? What happened in the story? That the stork used to eat fish and everything in the पॉन्ड. जो भी वहां पे पानी में जो भी फिश है, क्रैब है, उसको वो अपनी चोंच से, अपने बीक से पकड़ के उसको खाता था. एंड ही वॉज सर्वाइविंग. ऐसे ही चलता रहा चलता रहा. एंड स्टॉक बिकम ओल्ड. वो बुढ़ा हो गया अब. और उसकी आईसाइट भी है ना, वो कमजोर हो गई. मतलब वो देख नहीं पाता था ठीक से. तो वॉट हैपेंड कि ही वॉज नॉट एबल टू कैच द फिश. वो फिश को पकड़ भी नहीं पा रहा था. फिर उसने क्या किया? उसने एक आइडिया, एक ट्रिक की. उसने क्या किया? वो सैड सैड रहने लगा. सो एज सैड रहने लगा. एंड फिर ये सब फिश उसके पास से भी जाती थी ना. देन ऑल्सो ही वॉज नॉट कैचिंग द फिश. तो वन डे क्रैब और फिश दोनों ने उससे पूछा कि व्हाई आर यू सो सैड, तुम क्यों उदास हो? तो स्टॉक ने क्या कहा? He told that कि I have heard, मैंने सुना है that this pond will be covered with mud. ये जो पॉन्ड है उसमें सारी मिट्टी मिट्टी सब लोग लगा रख, मतलब स्प्रेड कर देने वाले, सारी मिट्टी से भर देंगे पॉन्ड को और यहाँ पे जरा भी पानी नहीं होगा. तो
क्रैब और फिश तो सोच में लग गए, अरे अगर पानी नहीं होगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। फिर उन्होंने क्रैब से पूछा कि आपके पास कुछ सुझाव है, डू यू हैव एनी आइडिया दैट हाउ वी कैन सेव आवरसेल्व्स। तो स्टॉक ने कहा यस, यहाँ पे थोड़े ही दूर देयर इज अ बिगर एंड डीप पॉन्ड, बहुत गहरा पानी है यहाँ से थोड़े ही दूर, तो मैं आप सबको वहां पे ले जा सकता हूँ एंड आई कैन सेव योर लाइफ, और मैं आप सबको बचा सकता हूँ। तो फिश और क्रैब दोनों अग्रीड हो गए, दे सेड ओके आप मुझे वहां पे हम सबको ले जाना। तो फिर तो स्टॉक को फिश पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिश ही उनके पास जा रही थी स्टॉक के पास। फिर स्टॉक उड़ने लगा उड़ने लगा उड़ने लगा और जाके बैठा एक रॉक पे, और रॉक पे बैठे वो फिश को खा लेता था, ऐसे उसको रेडीमेड खाना मिल जाता था, है ना। मम्मा आपको रेडीमेड खाना देती है ना, आपको बनाने की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है ना। वैसे उसको भी अभी फिश कैच करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि फिश खुद ही उसके पास जा रही थी। ऐसे करके करके वन डे क्या हुआ, क्रैब का टर्न आ गया, तो क्रैब ने उसको अपने गले पे ऐसे उसने पकड़ लिया, आपने देखा ना वीडियो में कैसे पकड़ लिया था। फिर वो उड़ रहा था उड़ रहा था उड़ रहा था। यस मैम। मैम एक्चुअली मेरे को कहीं हॉस्पिटल जाना है, तो इस सेशन में आपका कितना है? मैम राइम्सी है, तो इफ यू वांट यू कैन गो, नो प्रॉब्लम। ओके मैम, थैंक यू। स्टोरी एंड राइम्सी है, तो अगर नहीं अटेंड करेगा तो वीडियो देख लेगा तो भी चलेगा। ओके ओके, थैंक यू मैम, वेलकम। ओके, तो क्रैब ने उसको पकड़ लिया और वो उड़े जा रहा था उड़े जा रहा था। देन क्रैब सॉ द स्केलेटन ऑफ द फिश, फिश की जो स्केलेटन होता है हड्डियां उसने वो देखी, और क्रैब समझ गया दैट दिस स्टॉक इज प्लेइंग अ ट्रिक, वो हमारे साथ ट्रिक कर रहा है। और क्रैब ने फिर क्या किया, उसके जो क्लॉज होते हैं ना, क्लॉज मतलब पंजे, उसके जो पंजे होते हैं उसको पूरी ताकत से स्टॉक के गले को ऐसे दबा दिया, और फिर वो स्टॉक मर गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि जो एनिमी होते हैं उन पे ट्रस्ट नहीं करना होता है, क्योंकि स्टॉक का फूड क्या था, क्रैब्स एंड फिश, और क्रैब्स और फिश ने क्या किया, स्टॉक पे ही भरोसा कर दिया। तो यू शुड नॉट ट्रस्ट योर एनिमी इज द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। ओके, और आपको जो इंग्लिश का सिलेबस है ना उसमें ऐसा भी है, आपको एक स्टोरी दी गई है और आपको अपने ओन वर्ड्स में वो स्टोरी बतानी है। आपको पता है 3-3 स्टोरीज दी है मैम ने, तो उसको उस स्टोरी में क्या करना है, एक स्टोरी में आपको अपने वर्ड्स में वो स्टोरी बतानी है, फिर दूसरी जो स्टोरी दी है ना, है ना, उसमें आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि वो पिक्चर में वो क्या बोल रहे हैं, वो पिक्चर आपको क्या सजेस्ट करता है, क्या स्टोरी में होगा, दैट यू हैव टू आंसर। ठीक है, एंड यू गो थ्रू द सिलेबस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन आवर सेशन। ओके, आज आपको सिलेबस मिल जाएगा, आपको कोई भी डाउट हो आप कल मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे राइम्स, और आज की एक राइम है ना वो तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो पहले हम है ना आई एम अ टेलर वो वाली राइम करते हैं, वो है विंग्स कोर्स बुक में पेज नंबर 24, विंग्स कोर्स बुक टेक आउट पेज नंबर 24। I am a tailor. The name of the rhyme is I am a tailor. Ready with the book? Have you all opened the book? Chalo, start karte hain. Right? I am. Page number 24.
I am a tailor making clothes. Stitch, my needles goes. Tailor मतलब जो कपड़े सिलते हैं उसको टेलर कहते हैं, एंड टेलर इज अ कम्युनिटी हेल्पर. और टेलर क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं. कैसे, वो स्टिच करते हैं और सुई धागा होता है टेलर के पास. तो माय नीडल गोस. आई एम अ कॉबलर मेंडिंग शूज. रैट टैट टैट एंड इट्स जस्ट लाइक न्यू. मतलब कॉबलर क्या कहते हैं, शूज को रिपेयर करते हैं. मोची, मोची को क्या कहते हैं, कॉबलर. और टूटे फूटे जो शूज होते हैं उसको कैसे बना देते हैं कॉबलर, दे मेक इट लाइक इट इज अ न्यू वन, राइट. सो आई एम अ कॉबलर मेंडिंग शूज. रैट टैट टैट एंड इट जस्ट लाइक न्यू. नेक्स्ट इज आई एम अ पुलिसमैन. I stand just so, telling cars to stop and go. Again, हम starting से वापस करेंगे. I am a tailor making clothes. Stitch, my needle goes. I am a tailor making clothes. Stitch, my needle goes. I am a cobbler mending shoes.